घमंडी बेटा और माँ की कहानी। दोस्तों कहानी इस प्रकार से है कि एक समय रात करीब 1 बजे बेटे को माँ का फोन आता है और माँ कहती है, बेटा हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा जन्म दिवस है, आज के दिन ही तुम पैदा हुए थे, तुमको ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन तभी बेटा बोलता है, माँ ये कोई टाइम है फोन करने का? रात के 1 बजे है, आज सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती थी, मेरी नींद खराब कर दी। लेकिन ये सब सुनकर माँ फोन काट देती है। कुछ देर बाद ही पिता का फोन आता है। पिता की आवाज सुनकर बेटा कुछ नहीं बोलता है, बस इतना कहता है, आपने भी बर्थडे विश करने के लिए फोन किया है क्या? तभी पिता बोलते हैं, नहीं मैंने बर्थडे विश करने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि मैंने तो तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। तुम्हारी माँ ना समझ है, ना कुछ नहीं समझ पाती, भला कोई इतनी रात को फोन करता है? बेवकूफ है ना, उसे पता नहीं कि तुम गहरी नींद में होगे। लेकिन एक बात बताऊँ, तुम्हारी तो एक ही दिन की नींद खराब हुई है और मेरी तो साल में 365 दिन हर रात 1 बजे तुम्हारी माँ उठा करके नींद खराब करती है और कहती है कि इसी समय हमारे बेटे का जन्म हुआ था, फिर बर्थडे विश करती है। तभी पिता कहते हैं, जानते हो जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें इस दुनिया में लाने को कहा, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि इसमें से माँ की जान भी जा सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मुझसे बार बार कहती रही कि सुनो, अगर डॉक्टर कहे कि दोनों में से एक ही बचेगा तो मेरे बच्चे को ही बचाना, और मेरे से जब डॉक्टर ने साइन करने को कहा तो मैंने भी कांपते हुए तुझे ही बचाने को कहा, और तू कहता है कि माँ ने तेरी नींद खराब कर दी। सोचा बेटा, अब तेरी माँ कभी तेरा नींद खराब नहीं करेगी, और फोन काट देता है। फिर बेटा बोलता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया, जिस माँ ने मेरे लिए इतना बलिदान दिया मैं उसी के उपचारों को भूल गया, क्या मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ? उसे रात भर नींद नहीं आती है और सुबह दौड़ता हुआ घर पहुँचता है और माँ के कदमों में गिर जाता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने क्या कर दिया। तभी पिता बोलते है, जा तू यहाँ से, जब तक मेरे कंधों में ताकत है मैं तेरे माँ की सेवा कर सकता हूँ। तभी माँ बोलती है कि माफी तो मांग रहा है ये, मान लीजिए ना। फिर पिता बोलते हैं, देखा ये होती है माँ, बेटे की लाख गलती होते हुए भी अपने बच्चे का बचाव करती है, अरे माँ के जैसा हृदय तो इस दुनिया में किसी का नहीं है, कितना दर्द और दुख सहती है फिर भी अपने बच्चों के खातिर कभी थकती नहीं है, माँ तो बच्चों की रक्षा करने के लिए खुद की जान भी दांव पर लगा देती है। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको क्या सीख मिली इस कहानी से कमेंट में जरूर बताएं।